विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में शहर का पहला एक्सीलेटर आरंभ हो गया। सीएम सुखेंद्र सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शहर के इस पहले एक्सीलेटर का शुभारंभ तो किया, लेकिन यह एक्सीलेटर उद्घाटन अवसर पर ही हाफ गया। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को पैदल ही एक्सीलेटर की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ा। दो चरणों में बने इस एक्सीलेटर में जैसे ही मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दूसरे एक्सीलेटर पर पहुंचे, वह भी कुछ दूरी तक चला और बंद पड़ गया। यहां से भी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार किए गए एक्सीलेटर पर लगभग 8.5 करोड़ की लागत आई है। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 8.5 करोड़ की लागत से एक्सीलेटर का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण से जाखू मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जाखू मंदिर में दर्शन के लिए बुजुर्ग लोग भी आते हैं। इस एक्सीलेटर निर्माण के बाद उन्हें दर्शन करने में सुविधा होगी। नहीं है, क्योंकि एक साथ ही 400-500-150 लोग चढ़ जाए तो मशीन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोड होना चाहिए। तो ठीक है, हमने आज हमारे जो भक्त है जाखू मंदिर में आने वाले जो हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और कितनी लागत सर इसके आई है और कितना क्या टिकट को रखा जाएगा इसके लिए? 8.5 करोड़ की इसमें लागत आई है और जो टिकट का है वो अभी तो विचार नहीं किया गया, उसको बाद में देख के विचार किया जाएगा। धन्यवाद।